चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। किसान का परिवार नहीं चलता और 21,376 रुपए हर साल कर्जा करता है कि भारत के किसानों को इन 15 सालों में MSP से 45 लाख करोड़ रुपया कम मिला। बेरोजगार 38 बेरोजगार रोज आत्महत्या कर रहे हैं। हरियाणा पंजाब का तो जो युवा है वो छोड़ के बाहर विदेशों को जा रहा है। देश की जो हालत है उस हालत के लिए हम लड़ रहे हैं। जो उस देश का जड़ है किसान मजदूर उसको बचाने का सवाल है। जितनी मांगे किसानों की है वो मान लेनी चाहिए और वरना अगला जो आंदोलन होगा फिर वो आर पार का। नमस्कार करते साथियों, आपके सामने कुछ आंकड़े रखने चाहेंगे कि हम सरकार से कर्जा माफी क्यों कह रहे हैं, हम सरकार से MSP क्यों कह रहे हैं। बड़ा ध्यान से सुनने वाली है। अभी हरियाणा की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आई है जो हरियाणा खेती मैगजीन में, जो यूनिवर्सिटी से मैगजीन निकलती है उसमें छपी है और उसमें आंकड़े वाइज दिखाया गया है किसानों की खेती से आमदन, किसानों की पशुओं से आमदन और उसके अलावा 1,10,000 रुपए प्रति परिवार की आमदन जो बाहरी सोर्सों से है। किसी की बुढ़ापा पेंशन आती है, कोई शहर से कराता है, ये सारा जोड़ के और उसका उसके बाद खर्च दिखाया 21,376 रुपए आमदन से खर्च ज्यादा है। ये सारी आमदनें जोड़ के अगर किसान का परिवार नहीं चलता और 21,376 रुपए हर साल कर्जा करता है, इसके अगले साल भी इतना होगा, उसके अगले साल भी इतना होगा और आखिरकार जब उसके वो घर चलाने का अगर नहीं बचता तो आत्महत्या करता है। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का दूसरा 2000 से 2015 के बीच एक रिपोर्ट आई कि भारत के किसानों को इन 15 सालों में MSP से 45 लाख करोड़ रुपया कम मिला। जितना मिलना चाहिए था उससे कम मिला। यानी मोटे तौर पे मानिए आज हमें जो MSP मिलना चाहिए, जितना हमारा पैसा बढ़ता है उससे 4 लाख करोड़ के करीब आज कम मिलता है और उसमें देश की गलत नीतियां। उदाहरण के तौर पे 2 साल पहले हमारी सरसों बिकी 6,500 से 7,000 जब मलेशिया से तेल नहीं आया। अब की बार और फालतू तेल आ गया, अब की बार 4,500, 4,300, 4,100 यानी MSP से भी 1,500 से 1,800 रुपए के बीच घाटा। 1,00,000 करोड़ हर साल खाद्य तेल में बाहर से बाहर ये भेजते हैं देश का पैसा। अगर हम यहाँ मिले, यहाँ हमें भाव मिले तो हम यहीं पे तेल का उत्पादन पूरा कर दें और हम जिंदा रहने के काबिल भी बच जाए। 1 एकड़ सरसों में 15,000 रुपए का नुकसान हो रहा है आज के टाइम में। तो साथियों, देश के आंकड़े जो दिखा रहे हैं कि सारे कानून पूंजीपतियों के लिए बनाए गए और पूंजीपति अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, और आंकड़ा ये दिखा रहा है कि आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति हो गई है। 9 लोग एक तरफ, 50 करोड़ लोग एक तरफ, 80 करोड़ लोग आज सरकार के रेमो क्रम पे सरकार की भीख में जिंदा है। आज बेरोजगार 38 बेरोजगार रोज आत्महत्या कर रहे हैं। हरियाणा पंजाब का तो जो युवा है वो छोड़ के बाहर विदेशों को जा रहा है, जमीनें बेच बेच के विदेशों को जा रहा है। साथियों, देश की जो हालत है उस हालत के लिए हम लड़ रहे हैं। ये जो लोग बैठे हैं ये देशभक्त लोग हैं, ये उस देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं जिस देश को भगत सिंह जैसों ने फांसियों पर चढ़ के आजाद कराया। उस देश की अस्मिता का सवाल है, उस देश की जो उस देश का जड़ है किसान मजदूर उसको बचाने का सवाल है। हम अमीर होने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे, हम
अरबपति खरबपति नहीं बन जाएंगे अगर हमें एमएसपी मिल जाए, केवल हम जिंदा रह जाएंगे। जो मैंने यूनिवर्सिटी के आंकड़े रखे हैं, उन यूनिवर्सिटी के आंकड़ों से सरकार का अपना जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है हरियाणा का, उसके आंकड़े अभी 3 साल से उन्होंने बंद कर दिए। और उसके पहले की स्थिति ये थी कि जब 1900 रुपए गेहूं का भाव था तो हरियाणा का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 2200 रुपए क्विंटल खर्चा दिखा रहा था, यानी खर्चे से भी कम भाव हमें मिला। ये हरियाणा के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। तो साथियों, हमारे पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। और जब हम लड़ते हैं, जब हम संघर्ष करते हैं, तो हमारे ऊपर गोलियां दागी जाती हैं, हमारे ऊपर हजारों असुरस के घोड़े छोड़े जाते हैं, हमारे ऊपर मुकदमे बनाए जाते हैं, हमारे जो युवा है जो बाहर जा रहे हैं उनके पासपोर्ट रद्द किए जाते हैं, असले के लाइसेंस रद्द किए जाते हैं। तो सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार ये जो हथकंडे अपना रही है, लाइसेंस रद्द करने के, पासपोर्ट रद्द करने के, वीजे रद्द करने के, मुकदमे बनाने के, ये सरकार बाज आ जाए, वरना ये देश का किसान है, आप देख रहे हैं देश के किसान मजदूर की हालत आज रामलीला ग्राउंड में है। और अगर सरकार अपने आप में सुधार नहीं करती, फिर जो अगला आंदोलन होगा उसका खामियाजा जो है सरकार को किस तरह से भुगतना पड़ेगा, कि सरकार मारे तो पीछे भी सबने 700 मार दिए सरकार ने, मार तो चाहे जितने मर्जी ले, लेकिन फिर बात मनवा के ही उठेंगे। अभी सरकार को जो है वो जितनी मांगे किसानों की है वो मान लेनी चाहिए, और वरना अगला जो आंदोलन होगा फिर वो आर पार का हो। तो साथियों, आप इतनी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। Our slogan is only one slogan.